मध्य प्रदेश में कांग्रेस से विधायकों की होती कमी और लगती इस्तीफों की झड़ी को लेकर दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कमलनाथ को चिंतन करने की नसीहत दी है। देखें ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हाथ से पहले सत्ता चली गई और अब धीरे धीरे उनके विधायक भी साथ छोड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई कांग्रेस विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब इसी मसले पर कांग्रेस में सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और आवाज उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने शुक्रवार सुबह ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नारायण पटेल जैसे मृदुभाषी कर्मठ साथी विधायक का पार्टी छोड़कर जाने का बहुत दुख हुआ। यह तो किसी गुट के नहीं थे, फिर क्यों गए? कमलनाथ चिंतन करें। उधर कांग्रेस का कहना है कि नारायण पटेल कमलनाथ का नमक खाकर बीजेपी में गए, लंबा सौदा हुआ है, चुनाव में जनता सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। कल भी मैंने कहा था जो नारायण पटेल गए ये 3 दिन पहले तक कांग्रेस की मीटिंग में आए थे, वहाँ भाषण दिया इनने और दोनों हाथ उठाए थे कि हम सब एक साथ हैं और संकल्प लिया था। कमलनाथ जी क्या खाना खा के गए, नमक खा के गए, उसके बाद व्यक्ति ये पार्टी बदल के बीजेपी में चली जाए, तो ये कहीं ना कहीं लंबा लोभ उनको दिया गया है, ये लंबा सौदा हुआ है। जनता चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी इस तरह के लोगों ने, जिन्होंने जनता को धोखा दिया, एक आम लोगों को धोखा दिया, वोटर को धोखा दिया, बेचा और खरीदा गया है, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक जनता करेगी। आपको बता दें कि गुरुवार को ही खंडवा जिले की मंधाता विधानसभा से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया। तुरंत उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के 3 विधायक ऐसा ही कदम उठा चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक प्रद्युमन लोधी और सावित्री देवी कांजडेकर ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों की बीजेपी दौड़ ने कमलनाथ को टेंशन में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।